मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ कलेक्टरेट कार्यालय में सामूहिक रूप से भारतीय मजदूर संघ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आज भारतीय मजदूर संघ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार से नियमितीकरण और 18,000 मानदेय देने सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर एकत्रित होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रही। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में 21 सूत्री ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायता संघ की एक ही प्रमुख मांग है कि हम लोगों को नियमित किया जाए, शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, क्योंकि हमसे सभी विभागों का काम लिया जाता है और हमें उसके एवज में मात्र 10,000 रुपया मिल रहा है, जो कि एक परिवार को वहन करने के लिए बहुत ही कम होता है। ऐसे में हमारे बच्चे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है। कोई भी सुविधा उनको सरकार की तरफ से अलग से नहीं मिलती है, इसलिए हम लोगों को नियमित कर अन्य कर्मचारियों की तरह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। आगे की क्या रणनीति होगी? जैसे अभी एक साल निकल गया कमलनाथ सरकार का, आप लोगों को कोई लाभ नहीं दिया है। देश का माहौल थोड़ा सा ठीक नहीं है, वरना हम लोगों ने तो जनवरी में ही और जनवरी के पहले अक्टूबर में हम लोगों का एक धरना प्रदर्शन होना था, बहुत बड़ा आंदोलन प्रदेश स्तरीय, पर देश में माहौल खराब होने के कारण फिलहाल में उसको टाल दिया गया है और माह अप्रैल का विचार ऐसा बन रहा है प्रदेश स्तर से कि अप्रैल में किया जाएगा और जब भी ज़रूरत होगी तब भी हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए। लेकर ज्ञापन दिया पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि हम लोगों की समस्याओं को आप अपने माध्यम से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के स्थान तक भेजेंगे। मैं एक बार पुनः भारतीय मजदूर संघ की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर आज 3 जनवरी को 21 सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन था। ये पूरे देश में प्रत्येक जिले से ये ज्ञापन है, दिल्ली में भी ये ज्ञापन दिया जा रहा है और इसमें 21 सूत्री मांगे हैं। प्रमुख मांगों में जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, रसोईया इत्यादि जितना भी वर्कर्स हैं, इन लोगों को स्थायी किया जाए और जब तक स्थायी नहीं करते हैं तो कम से कम उनको 18,000 रुपये मानदेय इससे कम नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, आउटसोर्सेस वर्कर्स जो काम करते हैं उन लोगों को श्रमायुक्त ने पत्र लिखा है कि सारी की सारी सुविधाएँ उनको जो नियमित कर्मचारियों को मिलती हैं उनको मिलना चाहिए। इन सारी मांगों को लेकर के, 21 मांगों को लेकर के हम ये ज्ञापन दे रहे हैं। दूसरा, माननीय कमलनाथ जी ने चुनाव के पहले अपने वचन पत्र में घोषणा की थी कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, जैसे मेरी सरकार बनती है हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परमानेंट करेंगे, लेकिन आज तक इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन तो ठीक, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा जो अतिरिक्त मानदेय 1,500 रुपये केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया था वो मध्य प्रदेश सरकार ने भी उसको बंद कर दिया है, वो भी आज तक भुगतान नहीं हुआ है। तो हम अपने इस भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को चेताना चाहते हैं, अगर हमारी 21 सूत्री मांगों पर विचार नहीं किया तो आगे और उग्र आंदोलन करने को हम लोग बाध्य रहेंगे। उसमें उनकी 21 सूत्री मांग है, जिसमें उनको परमानेंट किया जाना है, रिलीज दिया जाना है और भी है, अभी मैंने नहीं पढ़ी है। ये जो उनका ज्ञापन है, आज ही मैं ऊपर माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दूँगा। धन्यवाद सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।